भक्ति का पावन प्रसंग और उस नवदा भक्ति में चूंकि भगवान बोलते हैं प्रथम भक्ति, इसलिए हम भी भक्ति शब्द यूज कर रहे हैं। भक्ति यानी भज सेवायाम, जो भजन करने से सेवा की ओर प्रेरणा दे, जो भजन करने से इष्ट आराध्य के साथ मिलने से जो सेवा के लिए प्रेरणा दे। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म, सेवा धर्म परमो धर्म, तो उसके लिए भगवान राम कहते हैं कि तुम्हें मैं ये मानते हुए कि तुम इसके अधिकारी हो। लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि नारी अधिकारी नहीं है। गायत्री मंत्र के बारे में ये भ्रम फैला दिया गया, और जब तुलसीदास जी जिस जमाने में ये रामायण लिख रहे थे उस जमाने में काल का प्रभाव भी उनके ऊपर था, समय का प्रभाव। समय के प्रभाव की वजह से बार बार उनके मन में वो आता है कि जो नारी जो है वो भी यही कहती है, जो शबरी है वो बार बार ये कहती है कि मैं तो अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं अधम से भी अधम है, और स्त्रियों में भी जो अधम है, अधमतम है, उनमें भी तिन्हम में मति मंद अघारी, उनमें भी मैं पापनाशन मंद बुद्धि हूँ। एक तो मैं स्त्री हूँ, दूसरी अधम हूँ, अधम में भी सबसे ज़्यादा अधम हूँ, और उसके बाद में मंद बुद्धि हूँ। मैं कहीं किसी कॉलेज में नहीं गई, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी नहीं मैं, तो मुझे क्या मालूम क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। श्री रघुनाथ जी ने कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाना बाता, मानहु एक भगति कर नाता। हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। कल मैंने भक्ति के बारे में बताया, भक्ति में प्रथम भक्ति नवदा भक्ति के बारे में बताया कि नवदा भक्ति का जो प्रथम भक्ति है संतों का संग। संतों का संग जो है इससे बड़ा कोई वास्तव में सौभाग्य नहीं है। संतों की संगति हमें उस चिंगारी से परिचित कराती है। कल का थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे 5 मिनट, उसके बाद संतों का संग हमें उस चिंगारी से परिचित कराता है जो हमारे अंदर जल रही है। एक प्रारब्धवश या हमारे कर्मों के वशीभूत होकर के वो शायद बुझ गई है, हमारे अंदर है परंतु हम उसको जान नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर भी वो चिंगारी है। उस चिंगारी को प्रज्वलित करें, और श्रृंगारी को प्रज्वलित करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक संत चाहिए। उस संत को देखकर हमें पता चलता है कि भगवान कैसे होते हैं। भगवान का मिनी संस्करण है संत। भगवान को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, पर संत को देखा जा सकता है। पक्षी जैसे किसी दूसरे पक्षी को देखकर उड़ना सीखता है, हम भी संतों को देखकर जान लेते हैं कि हम कैसे भक्त बन सकते हैं। पक्षी देखता है कि ये वाला सामने वाला पक्षी जो है उड़ा, तो मैं भी उड़ सकता हूँ, हाँ तुम भी उड़ सकते हो। इसी तरह से हम संतों को देखकर जान लेते हैं कि हाँ भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इन्होंने प्राप्त किया ऐसे मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ। संत कैसे, ठाकुर जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे। संत कैसे, परम पूज्य गुरुदेव जैसे, जिन्होंने पारदर्शी जीवन जिया, एक ब्राह्मण का जीवन जिया। ठाकुर के बिस्तर के नीचे किसी ने परीक्षा के लिए पैसे रख दिए, तो देखें ये कहते हैं बराबर कामिनी कुंचन की बात करते हैं, पैसे का कोई प्रभाव पड़ता है, उनके सारे शरीर में फफोले हो गए।
पैसे रख दिए, सारे शरीर फफूले हो गए। और उन्होंने फिर बिस्तर से उठ कर के उन्होंने कहा, अरे भाई देखो जरा बिस्तर के दर पर ये निकालो, चादर निकालो, चादर निकाल के साफ करो, क्या हो गया इस पे? देखा नीचे पैसे रखे हुए थे। किसी ने उनको लाके ढेर सारे पैसे दिए कि ये आपको रखना है ठाकुर, आपके लिए फल आएंगे इससे। तो उन्होंने पत्थर लिए उतने ही, और उतने ही उन्होंने पैसे लिए, जितने पैसे दिए थे उतने ही पत्थर लिए, और दोनों उठा करके टाका माटी, टाका माटी, टाका यानी पैसा और माटी यानी मिट्टी, पैसा क्या होता है? मिट्टी। तो गंगा जी में डालने लगे, टाका माटी सब गंगा में प्रवाहित कर दिए। ऐसे संत जिन्हें जरा भी किसी भी तरह की माया व्याप्ति नहीं है, कोई आदमी घास पर चल रहा था तो समानुभूति कितनी तीव्र होती है, रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर निशान आ गए, अरे भाई धूप पे मत चलो, धूप पे चलने से मुझे पीड़ा होती है, तुम्हें पीड़ा होती है, धूप पे हम चल रहे हैं तुम्हें पीड़ा हो रही है। घास से आत्मीयता इतनी हो गई, समानुभूति हो गई कि उस घास के जो तिनके थे तीखे वो लगने लगे, उनको ऐसा लगा कि मेरे ऊपर चल रहे हैं और पीठ पे निशान आ गए। संतों की संगति का एक परिणाम, एक थोड़ा नमूना दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ जो कल मैं नहीं बता पाया कथाओं में। मैं एक नारेश्वर महादेव करके एक स्थान है, नारेश्वर महादेव, ये नर्मदा का किनारा है, वहाँ होके आया हूँ, बड़ौदा से करीब 70 किलोमीटर दूर है। वहाँ रंग अवधूत रहा करते थे, रंग अवधूत। तो रंग अवधूत जो हैं उन्होंने तपश्चर्या की और गायत्री की साधना की, परम पूज्य गुरुदेव उनके बारे में बताया करते थे। रंग अवधूत क्या, एक बाजरे की टिकिया और प्याज की चटनी उसके ऊपर रखी हुई मिलती थी, बाजरे की टिकिया और प्याज की चटनी प्रसाद के रूप में मिलती थी। रंग अवधूत के पास जो भी आता था उसको वो प्रसाद के रूप में नीम की पत्ती देते थे, जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे उसकी पत्ती देते थे। तुम सबको आश्चर्य होगा सुन करके कि संतों की संगति से आदमी बदल जाते हैं, संतों की संगति से पुरुष बदल जाते हैं, संतों की संगति से सब कुछ, पर जड़ जगत बदल सकता है क्या? जिस नीम के पेड़ के नीचे रंग अवधूत बैठते थे उसमें कुबड़ सा निकल आया, क्योंकि बैठे बैठे उसी के सहारे बैठे रहते थे, तो कुबड़ सा निकल आया उसमें, मतलब उसी की पीठ के सहारे उनका जो है वो नीम का पेड़ भी टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होकर के उनकी छाया करने लगा पूरी। और जितने हिस्से में वो बैठते थे, जितने हिस्से में लोगों से मिलते थे, करीब 20 फीट की परिधि में एक ही नीम के पेड़ में उतना हिस्सा मीठा है, नीम के पत्ते मीठे हैं, बाकी हिस्से में कड़वे हैं। कभी कल्पना कर सकते हो? मैंने खुद चख के देखा, देखिए यहाँ का नीम चखिए, वहाँ का नीम चखिए, दोनों नीम को चखा तो उतने हिस्से में जिसमें रंग अवधूत बैठे उतने हिस्से में नीम मीठा हो गया, उसी नीम की पत्ती तोड़ते थे और देते जाते थे, इसी देर तबीयत ठीक हो जाएगी, इसी देर घर में बच्चा हो जाएगा, तेरे यहाँ सब पत्नी की तेरी घर की समस्या सारी हल हो जाएंगी। संतों की संगति से वनस्पति भी अपना रंग बदल लेती है, संतों की संगति से जड़ जगत में ही परिवर्तन आ सकता है, संतों की संगति से भगवान राम के स्पर्श से जब अहिल्या बदल सकती है, अहिल्या पाषाण से बदल सकती है, तो क्यों नहीं बदल सकता? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सठ सुधरई संत संगति पाई, सठ सुधरई संत संगति पाई। संतों का संग पाकर सठ लोग, बदमाश लोग, दुष्ट लोग, देर देर तक फिल्मी म्यूजिक सुनने वाले लोग सब बदल जाते हैं, संतों का संग पाकर लोग बदल जाते हैं। पारस परस कुधातु सुहाई, जैसे कि किसी धातु को टच कर दें तो पारस को छूने के बाद वो सोना बन जाती है, इसी तरह से संतों का संग पाने के बाद रात दिन आदमी अगर संतों का सत्संग करे तो उसको जीवन में बदलाव हो सकता है। और हमारे कबीरदास जी कहते हैं, संगत बुरी असाधु की, साधु की संगत करिए, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। असाधु यानि असज्जन व्यक्ति, असाधु यानि नास्तिक व्यक्ति, असाधु यानि नेगेटिव व्यक्ति, असाधु यानि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डिप्रेशन में रहता है और आपको भी डिप्रेशन में डाल देगा, वो असाधु है, उसकी संगति मत करिए। संगत किसकी करिए? साधु की। आठों पहर उपाधि, उपाधि का मतलब क्या होता है? जो आत्मबोध से विमुख कर दे वो उपाधि, जो माया की ओर ले जाए वो उपाधि, जो रात दिन संसार का ध्यान कराए वो उपाधि, हमें इससे बचना है।
और हमें इससे बच करके अपनी भक्ति का स्वरूप ऐसा बनाना है जैसा नारद ने कही है कि हम भक्ति को अपने जीवन का एक अनुशासन बना लें, भक्ति अपने जीवन में अनुशासित रूप में उतर आए। कबीरदास जी एक और बात कहते हैं, देखा देखी भक्ति भक्ति का कबहु न लगे रंगा। देखा देखी भक्ति का कबहु न लगे रंगा। वो कहते हैं देखा देखी भक्ति का रंग नहीं लगता, ये भक्ति कर रहा है मैं भी भक्ति करना चालू कर देता हूँ, ये माला कर रहा है मैं भी माला करना चालू कर देता हूँ, इसके नंबर अच्छे आते हैं माला करने से मेरे भी माला करने से अच्छे आएंगे। तो देखा देखी भक्ति उनकी जैसी मत करो, आपके अंदर से जो प्रस्फुटित हो वो भक्ति करो। भक्ति क्या है? सबसे बड़ी भक्ति संतों का संग। आप संतों के संग में थोड़ी सी बात और बतानी है। संतों के संग में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि संतों के सत्संग से क्या क्या नहीं हो सकता। संतों के सत्संग से हमारे जीवन में लगभग लगभग सब तरह के परिवर्तन आ सकते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान होता है। संत औरों को प्यार बांटते हैं। संत जो हैं वो हमारे जीवन में यदि आ जाएं तो हम वास्तव में सारे जीवन को अपने बदल दें। तीन प्रकार के सत्संग बताए गए, सत्संग के तीन प्रकार बताए गए। आज कई कुछ प्रश्न पूछे हैं उनका समाधान इसमें। पहला सत्संग परम सत्य के साथ, परमात्मा के साथ एकात्मता। पहला सत्संग परमात्मा के साथ एकात्मता, इससे क्या होता है? समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है। समाधि जिससे कि आप परमात्मा के साथ सात्विक की स्थिति में आ जाते हैं, अनंतम निर्विकल्पम, इस समाधि की स्थिति में चले जाते हैं। अनंत समाधि, निर्विकल्प स्तर की समाधि मिलती है। दूसरा सत्संग है सत तत्व से आत्म तत्व सात, वो महापुरुष जिन्होंने कि सत तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, सत्य का साक्षात्कार जिन्हें हो गया है, ऐसे लोगों के साथ सत्संग। ऐसे सत्संग के बाद ईश्वर के प्रति ललक पैदा हो जाती है और ईश्वर के प्रति ललक पैदा होने के बाद आदमी के जीवन में बदलाव आ जाता है। जैसे नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद बन गए, जैसे विरजानंद जी का सत्संग पाकर मूल शंकर विरजानंद से शक्ति पाकर के महर्षि दयानंद बन गए। तीसरा सत्संग है सद्विचारों का सत्संग। आज सत्संग कहाँ मिलेगा? आज श्रेष्ठ व्यक्ति कहाँ मिलेंगे? गिने चुने हैं, बहुत गिने चुने हैं। व्यक्तिगत कमियां हैं, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी मिस्टेक्स भी हैं उनके जीवन में। बहुत सारे महापुरुष आज नहीं हैं, न रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद ने, परम पूज्य गुरुदेव हैं, तो उनका साहित्य तो विद्यमान है। तो तीसरा सत्संग किसका? सद्विचारों का सत्संग। उस साहित्य का स्वाध्याय, विचारों का स्वाध्याय, जिसको गुरुदेव कहते थे ढेर सारे महापुरुष मैंने अपने कक्षों में बिठा रखे, मेरे कक्ष में ढेर सारे महापुरुष बैठे हुए हैं, सारे महापुरुषों के ग्रंथ मेरी लाइब्रेरी में हैं, मैं अपने कमरे में बैठा रहता हूं तो उनका सत्संग करता हूं, मैं इन किताबों को देख लेता हूं, एक दो संस्मरण पढ़ लेता हूं, मेरा जीवन निहाल हो जाता है। गुरुदेव के मस्तिष्क में सारा साहित्य विराजमान था। लाइब्रेरी तो थी गुरुदेव की, बहुत छोटी सी थी, गीता विश्वकोश की थी, परंतु जब गुरुदेव को पढ़ना होता था तो किताबें बुलवाते थे, नहीं पढ़ना होता था तो किताब औरों से पढ़वा लेते थे और खुद उसको आत्मसात कर लेते थे। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जैसे कहा है कि विचारों का सत्संग, यदि आज हमको गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त नहीं है तो गुरुदेव के विचार तो हैं। यदि हमारे पास नरेंद्रनाथ नहीं है, स्वामी विवेकानंद नहीं है, तो स्वामी विवेकानंद का साहित्य तो है। यदि हमारे पास रामकृष्ण परमहंस नहीं है तो रामकृष्ण वचनामृत तो है, लीलामृत तो है, कथामृत तो है, क्या हम इनका स्वाध्याय नहीं कर सकते? कभी मन नहीं करता कि और चीज़ पढ़ते हैं, चलो 15 मिनट का स्वाध्याय कर लें। एक भी अगर हम रामकृष्ण परमहंस वचनामृत का, लीलामृत का एक भी प्रसंग पढ़ लेंगे तो हमारे अंदर अच्छे विचारों की सृष्टि हो जाएगी। अच्छे विचारों का बीज पैदा होना यानी एक तरह से आमूलचूल परिवर्तन की प्रक्रिया चालू हो जाना, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने आप को सुपात्र बना लें, और सुपात्र बनाएंगे तो हमारे पास स्वयं सद्गुरु भी आएंगे और स्वयं संत भी चल कर आएंगे, और संत चल करके हमको आके उपदेश देंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे गंगा वारी ब्रह्म वारी, गंगा की वारी यानी वायु, गंगा की वायु का स्पर्श यानी ब्रह्म चेतना का स्पर्श। गंगा की ओर जाओ तो ब्रह्म चेतना से भरी हुई, शीतलता पवित्रता से भरी हुई वायु हमें स्पर्श करती है। मैं जब यहाँ से जाता हूँ बाहर, हर 7वें 8वें दिन निकल जाता हूँ, बाहर जाता हूँ
कार्यक्रम बाहर के कार्यक्रम में जाना पड़ता है। जाने का एक ही रास्ता है, गंगा जी के ऊपर होते हुए जाना, गंगा नहर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से नहाता हूँ तो पहले छोटी छोटे वाली गंगा मिलती हैं आउटर कैनाल, फिर इनर कैनाल, फिर एक और कैनाल मिलती है, तीन कैनाल के ऊपर होते हुए फिर नील पर्वत के नीचे जो चंडी देवी का पुल है वहाँ से निकलता हूँ। चारों समय में मैं अपनी खिड़की खुली रखता हूँ, खिड़की खुली रख के ब्रह्म चेतना को ग्रहण करने की कोशिश कर। कुछ नहीं कर सकते तो गंगा की हवा तो ले सकते हैं, गंगा वारी ब्रह्म वारी अर्थात गंगा का संग सत्संग, यानी सत्संगों का सत्संग जितना ज़्यादा मिले, ब्रह्म का सत्संग ब्रह्म चेतना का संग उतना ही ज़्यादा होगा। ये संतों के सत्संग को यदि हम जान लें तो पहचान लें तो हमें पता लगेगा सत्संगति हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा जीवन को बदल सकती है। परम पूज्य गुरुदेव अपने साहित्य में लिखते हैं, हमारे दिन रात सिसकते हुए बीते हैं, प्रेम के करुणा के सागर में लबालब बीते हैं। एक गुरुदेव ने लाखों में करोड़ों व्यक्तियों के जीवन में जीवन को परिवर्तन कर दिया। एक महिला का प्रसंग मुझे याद है, रोती आई, उसने कहा कैंसर में मेरे पति की एक आँख चली गई। गुरुदेव आप एक काम कर सकते हैं क्या कि आप इनकी दूसरी आँख बचा लें। डॉक्टर कह रहे हैं दूसरी आँख भी चली जाएगी क्योंकि कैंसर जो है वो ऑप्टिक चियाज्मा के ऊपर है। ऑप्टिक चियाज्मा जानते ना, जो ऑप्टिक नर्व जाती है वो ऐसे क्रॉस करती है, ब्रेन से निकलती ऐसे क्रॉस करती है, तो राइट ब्रेन से लेफ्ट ब्रेन को सप्लाई करती है, लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन को ऑप्टिक नर्व, तो ये जो बनता है इसको ऑप्टिक चियाज्मा कहते हैं। इसको फ्लाई ओवर बोल दो, क्रॉसिंग ओवर बोल दो, कुछ ही बोल दो, ये चियाज्मा है। इसके ऊपर ट्यूमर है, इसने एक आँख को दबा दिया, दूसरे को भी दबाने वाला है। गुरुदेव द्रवित हो उठे, उन्होंने कहा बेटा उसकी एक आँख चली गई पर तूने जो तप किया है अपने पति के लिए उसके बदले में हम दूसरे को बचा लेंगे। दूसरी आँख बच गई, दोनों पति पत्नी आज भी गायत्री परिवार का कार्य कर रहे हैं, वो कैंसर न जाने कहाँ चला गया। संतों की सत्संगति से आदमी का जीवन भी बदल सकता है, आदमी के जीवन में कई परेशानियाँ जो हैं वो भी चली जाती हैं। आइए आज की कथा चालू करेंगे। आज की कथा है दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। मेरे कथा प्रसंगों में रुचि, पहले सत्संगों के बारे में जानना, संतों के बारे में जानना, फिर मेरे कथा प्रसंगों में रुचि। एक कुछ प्रश्न आज से कल वाले से जुड़े हुए हैं इसलिए सुनाता हूँ। संत का हृदय मक्खन के समान होता है, कवियों ने बात कह तो दी पर उन्हें कहना नहीं आया। मक्खन तो स्वयं ही पिघलता रहता है अपने ताप पर, परंतु संत व्यक्ति दूसरों के कष्ट पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाते हैं। ये पूरी चौपाई लिखी है, जिनने भी लिखी है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। कवियों ने कहा पर कहने के बाद वो जान नहीं पाए। निज प्रताप द्रवे नवनीता, निज प्रताप से नवनीत तो पिघल जाता है, वो बात अलग है कि उसको आप पेपर में रैप करके फ्रिज में रख दो तो बात अलग है, नहीं पिघलेगा, उस जमाने में कहाँ था। परंतु निज प्रताप द्रवे नवनीता, पर संताप संत सुपनीता, दूसरों के संताप से स्वयं पिघल जाते हैं। नवनीत तो अपने आप ही पिघल जाता है, पर वो दूसरों के कष्ट और पीड़ा को देखकर द्रवित हो जाते हैं। सामान्य मन बुद्धि बोध से हम परमात्मा को नहीं समझ सकते, ये हमारी बुद्धि सामान्य है, तार्किक है, मनोविश्लेषक है, छोटी छोटी बातों में तर्क करती है। ज्ञान को ग्रहण करने हेतु हम सक्षम नहीं हैं परमात्मा के, इसलिए हमें पहले वैसे बनना चाहिए। परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो दो चीज़ें, दो अवतार लेके आते हैं, दो स्वरूप लेके आते हैं, एक मानवीय स्वरूप एक देवी स्वरूप। परमात्मा दो रूपों में आता है, एक मानवीय रूप में आता है, एक देवी रूप में आता है, एक साथ आता है। हम उन्हें पहचान सकें, अपना मान सकें, इसलिए मानवीय स्वरूप, यह हमारे हैं, यह हमारे अपने हैं। कितनी हिम्मत हो गई केवट की, केवट ने कहा कि भगवान आप ऐसे नहीं बैठेंगे इसमें, आप अपने जूते उतारिए, पाँव पखारिए, ये तो मेरी नाव उतर गई तो फिर मेरी तो आजीविका का स्रोत खत्म हो जाएगा। ये कौन कह सकता है, ये वही कह सकता है जो उनके मानवीय स्वरूप को पहचान के उनके आत्मीयता इतनी ज़्यादा जोड़ लेता है कि भगवान भी उसको अपने जैसे मालूम पड़ते हैं। हमें जब भगवान अपने जैसे मालूम पड़ने लगें तो ये भगवान का मानवीय स्वरूप है। हम अपना नहीं मान पाते क्योंकि देवी स्वरूप है, हमारे दिमाग में मुकुटधारी भगवान की छवि है और उसी वजह से हम बड़े परेशान हैं। हम श्रद्धा उन पर कर सकते हैं मुकुटधारी पर मनुष्य शरीरधारी भगवान के ऊपर जहाँ मानवीय स्वरूप है वहाँ हम प्रेम कर सकते हैं, अपना मान सकते हैं। अरे भगवान को दोस्त बना सकते हैं, भगवान को अपना मित्र बना करके अपने साथ बिठा सकते हैं, और भगवान को साथ बिठा कर धन्ना जाट और एक
डाकू भक्त, दो की कथा मैंने पहले सुनाई थी तुमको, धन्ना जाट की कथा में भी यही है, उसमें भी ये कथा ये है, में भी यही है कि वो भगवान को अपना मित्र बना करके दोनों दोनों खेलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। भगवान मित्र भी बन जाता है, भगवान साथ खेलने वाला खिलाड़ी बन जाता है। भगवान इतने सहज होते हैं कि बरबस हम अपना मान बैठते हैं। श्री राम के आने पर जब भगवान श्री राम आए तो शबरी, जटायु, गिद्ध, गिलहरी सभी उन्हें अपना मान बैठे, सब ने अपना मान लिया, ये हमारे अपने होंगे। अयोध्या के राजा होंगे राम, भगवान श्री रामचंद्र जी होंगे विष्णु के अवतार, पर ये हमारे अपने हैं। त्रिलोक के स्वामी साक्षात परब्रह्म आ गए हैं ऐसा लगता ही नहीं है कभी, साक्षात परब्रह्म आ गए ऐसा नहीं लगता, त्रिलोक के स्वामी हैं, कुछ भी चाहे कर सकते हैं। कई बार भ्रम भी होता है कि क्या ये वही है, कई बार भ्रम भी होता है कि क्या ये वही है जो जिनके बारे में हमने सुना था कि भगवान है। कई बार भगवत पुरुष आते हैं और सामने आके चले जाते हैं, संतों के बारे में भी ये गलतफहमी होती है कि क्या ये वही है जिनके बारे में हमने सुना था, ऋषियों ने जो कहा था वही है, ये सब कुछ निरर्थक है। रामकृष्ण कहते हैं रस्सी में जादूगर गांठें डाल देता है, ऐसी स्टाइल से डालता है कि ऊपर फेंकता है तो रस्सी खुल जाती है, और किसी से कहता है तो वो रस्सी और उलझा देता है। भगवान भी ऐसा ही जादूगर है, और जादूगर की तरह से आकर के सारी रस्सियाँ खोल करके भावना रहित, ग्रंथियों रहित होकर के अपने व्यक्तित्व को सामने प्रकट कर देता है। भगवान के आने के साथ चार बातें होती हैं, भगवान जब आता है तो चार बातें होती हैं। क्या? उनके नाम की महिमा का गान, उनके रूप की महिमा का गान, श्यामल सलोना सलोने सुंदर भगवान, हम उनकी महिमा का गान करने लगते हैं, उनके गुणों का गान, और चौथा उनकी लीला का गान। ये चार चीजें एक साथ होती हैं, नाम रूप लीला गुण, नाम रूप लीला और गुण, इन चारों की कथा होती है। जब भगवान कहते हैं मेरे कथा प्रसंगों में रमना, हे शबरी तू मेरे कथा प्रसंगों में रमना, मेरे कथा प्रसंगों में रति पैदा करना, अनुराग पैदा करना, प्रेम पैदा करना, प्रीति पैदा करना, तो फिर भगवान इतने प्रिय लगे, कथा इतनी प्रिय लगने लगे जितने भगवान स्वयं, कथा प्रसंगों के माध्यम से भगवान ऐसे लगने लगे जैसे वो स्वयं सामने मौजूद है हमारे, इससे उनके प्रति भक्ति बढ़े। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक बात कहते हैं, मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करने वाले लोगों को मैं वो बुद्धि योग देता हूँ, तत्वज्ञान रूपी योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अध्याय 10 का ये श्लोक है, श्लोक का मैं स्थान बताता हूँ कहाँ पर है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते, 10वां अध्याय दसवां श्लोक, 10/10 याद रहेगा तुमको ना, 10/10। ये बुद्धि योग देते हैं भगवान, बुद्धि योग का मतलब क्या होता है साइकोलॉजी की भाषा में, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, कॉग्निशन को हमारे बोध को नए सिरे से बना देना। भगवान जब आते हैं तो हमारे को बुद्धि योग देते हैं, बुद्धि योग के माध्यम से कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं, हमारे फेथ, हमारी बिलीफ, हमारे प्रिजुडिसेस, हमारे विश्वास, हमारी मान्यताएं, हमारे पूर्वाग्रह और हमारी जो भी कुछ कल्पनाएं हैं, सोच, सभी को, सभी ने हैं हमारे को एक प्रकार से जीव बना के रख रखा है, हम जीव बने हुए हैं, जंतु बने हुए हैं, एनिमल बीइंग हम बने हुए हैं हमारे बिलीफ्स की वजह से, पूर्वाग्रहों की वजह से, प्रारब्ध की वजह से। और अगर कॉग्निशन बदल जाए तो, हमारा बोध बदल जाए तो, बोध करने का, एहसास करने का तरीका बदल जाए तो सब परिवर्तित हो जाएगा। कान तो वही सुन रहे हैं पर अर्थ अलग अलग अकॉर्डिंग टू कॉग्निशन लगाए जाने लगेगा, कान तो वही सुनेंगे पर अर्थ अलग अलग लगाया जाएगा, कॉग्निशन अलग हो जाएगा। राम का रावण के लिए, जनक के लिए, दशरथ के लिए, विश्वामित्र के लिए, वशिष्ठ के लिए, अगस्त के लिए अलग अलग कॉग्निशन है। हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से राम के बारे में सोचता है, वशिष्ठ अलग सोचते हैं, विश्वामित्र अलग सोचते हैं, रावण अलग सोचता है, जनक अलग सोचते हैं, दशरथ अलग सोचते हैं। भगवान को पहचान लेना भगवत रूप में,
वो बार बार ये ध्यान होना कि ये तो हमारे हैं पर हम में से नहीं है, भगवान हमारे तो हैं पर हम में से नहीं है। हम इनकी लीला के माध्यम से क्या जान सकते हैं, हम प्रभु का कर्म क्या होता है, लीला, बार बार लीला की बात जो कह रहा हूं ना, कथा प्रसंग क्या होते हैं, नाम गुण लीला रूप, नाम रूप लीला और गुण, इन चारों चीजों की जो जो का जो विवरण होता है भगवान का वो उनकी कथा है, ये पूरा कथा का स्वरूप है। भगवान जब आते हैं तो लीला करते हैं, लीला में स्वार्थ नहीं हित होता है, उनके कर्मों से उनकी कृपा बरसती है, जो भी लीला करते हैं चाहे गोपियों के साथ रास रचाया हो, तुमको मालूम नहीं उसकी फिलॉसफी इसलिए तुम उसको गलत रूप में देखते हो, हम उसका जब वास्तविक स्वरूप समझाएंगे तब तुमको समझ में आ जाएगा। भगवान के एक एक कर्म दिव्य हैं, भगवान के कर्मों में कहीं कोई वो चीज़ झलकती नहीं है। भगवान जब करते हैं कर्म तो लीला का कर्म करते हैं, उनकी कृपा बरसती है, हम करते हैं तो हम निष्काम कर्म करते हैं, और निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो हम कुसंस्कारों को काटते हैं, चित्त को शुद्ध करते हैं। दोनों के कर्म करने में अंतर है, मनुष्य का कर्म करना अलग, भगवान का कर्म करना अलग। भगवान का कर्म मनुष्य को प्रेरणा देने के लिए, भगवान का कर्म एक प्रकार से कृपा बरसाने के लिए, भगवान का कर्म लीला लोगों के ऊपर ये प्रभाव डालने के लिए कि भगवान क्या है ये जानने की कोशिश करें, और मनुष्य का कर्म किस लिए है, चित्त शुद्धि के लिए, कुसंस्कारों को काटने के लिए। भगवान कर्म काटने के लिए लीला नहीं करते, भगवान कर्म बंधन से परे हैं, कर्म बंधन से परे हैं भगवान, कृपा करने के लिए भगवान कर्म करते हैं। भगवान कर्म तो करते हैं पर कृपा करने के लिए, हम कृपा बरसाने आए हैं तुम्हारे ऊपर। एक संस्कृत में बात आती है लोकवत लीला केवलम, लोकवत लीला कैवल्यम, सॉरी लोकवत लीला कैवल्यम, कैवल्य का अनुदान देने के लिए ये लोगों लोक के लिए लीला है भगवान की, कैवल्य का अनुदान देने के लिए। न जाने कितने लोग उनके साथ पा करके और न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। भगवान और भक्त दोनों को मिला दो तो क्या बनता है, भगवान और भक्त दोनों वर्ड को मिला दो क्या बना, भागवत बनी। किसने बोला ये, बहुत सुंदर, भागवत, श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान और भक्त की कथा है, भगवान की कथा है, भक्त ने सुनी है, दोनों को मिलाकर भागवत बनती, जिसका श्रवण करने से जीवन का कल्याण होता है। हाँ बस सारे साधन है, चित्त शुद्ध है, चित्त शुद्धि हेतु हमारे पास तीन ही ग्रंथ है, एक भागवत श्रीमद् भागवत, एक रामायण रामचरितमानस, एक वाल्मीकि रामायण, तीसरा ग्रंथ मैं मानता हूँ प्रज्ञा पुराण, ये तीन ही हैं जो वास्तव में सही अर्थों में, पुराणों में भी प्रज्ञा पुराण, सभी साधनों में अधिकार है, योग तंत्र ध्यान सभी तय करता है गुरु, इनमें शक हो सकता है। हमारे जितनी भी चीज़ें हैं ये कौन तय करता है, गुरु तय करता है। योग कौन सा करना, गुरु से पूछ के करो, तंत्र कौन सा करना, गुरु से पूछ के करो, ध्यान कौन सा करना, गुरु से पूछ के करो, परंतु एक चीज ऐसी है जिसमें गुरु से पूछने की जरूरत नहीं है, कौन सी, कथा हर कोई सुन सकता है, कथा हर कोई सुन सकता है, उसके लिए अधिकार प्राप्त करने की जरूरत नहीं, बस ये है कथाकार और श्रवणकार दोनों का स्तर एक हो जाए तो फिर कथा कारगर होने लगती है। भगवान के वन गमन की जब बात चलती है ना तो जो असली सुनने वाला है ना, असली सुनने वाला, कथा सुनने वाला, उसको कभी देखो वो कहेगा अरे देखो तो सही भगवान राम जा रहे हैं, और दशरथ जो है वो रोए जा रहे हैं, दशरथ देखो उनके दुख में वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए, आपको मालूम नहीं है रामायण ने क्रांति ला दी, रामानंद सागर के रामायण ने क्रांति ला दी, मुसलमान लोग हिंदू लोग क्रिश्चियन लोग सबके सब घरों में बंद, सबके सब टीवी के सामने बैठे देख रहे हैं रामायण, और उसके बाद उस रामायण में जहां प्रसंग चले इस तरह के वह दुख में दुखी तो सारे लोग रो रहे, और जहां सुख में सुखी भगवान सुख ही सुखी हैं और शादी हो रही भगवान की तो लोग उधर 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 चल रहा है कीर्तन तो यहां भी चल रहा है कीर्तन, अरे भगवान का कीर्तन भी, क्यों आखिर क्यों, क्योंकि भगवान हमें अपने जैसे लगते हैं, भगवान की कथा में भगवान और भक्त एक हो जाते हैं, कथा का श्रवण जब हम करते हैं भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। वन गए भगवान तो आंखों में आंसू आ गए, कैसे क्रूर माता पिता हैं जिन्होंने इतने सुकुमार को भेज दिया वन, अरे सारी दुनिया इस कहानी को कई बार जानती है,
सुनी सुनाई कहानी है, पर जितनी बार आती है सामने तब तब हमारी आंखों में आंसू आते हैं, तब तक हमारे मन में के लिए 10,000 गालियां निकलती हैं, कैसी दुष्ट नारी है, तानी है, इसने ऐसा क्यों किया। हम जानते हैं सारा का सारा पूरा पूरा रामचरित मानस का खेल, हम सब जानते हैं, श्रीमद भागवत में भगवान कृष्ण की भी लीला जानते हैं, पर जब जब घटनाएं घटती हैं क्यों, हमारा एकात्मता हो जाती है कथा के भाव के साथ। वासनाएं कामनाएं कथा से रूपांतरित होती हैं, हमारी वासनाएं और हमारी कामनाएं कथा से रूपांतरित होती हैं। क्या हम भगवान से रिश्ता बना सकते हैं? कथा के माध्यम से हम बना सकते हैं। हम भगवान से रिश्ता बना लें, सुनने वाला और कहने वाला दोनों बड़े हैं, ऐसे श्रोता यदि कथा में रस आने लगे तो स्वयं बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। कथा में रस आना चाहिए, कथा में मनोरंजन नहीं आना चाहिए, इट इज नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, ये रस के लिए है, रस के लिए जो आपके आत्मा को सींचे। ये कथा जो है ये इस काम के लिए नहीं है कि आपके मनोरंजन के लिए पूर्ति करे। भगवान शिव सभी विद्याओं के गुरु हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, भगवान शिव सभी विद्याओं के गुरु हैं, योगेश्वर हैं, सारे तंत्र उन्हीं के श्रीमुख से निकले हैं, जितने भी तंत्र शास्त्र के ग्रंथ हैं, रस रस विद्या के भी ज्ञाता है, ये जो योग आयुर्वेद में रस विद्या तंत्र होता है ना उसके भी ज्ञाता है, पारे को सॉलिड करना, ये भगवान शिव ने ही विद्या दी है। भगवान शिव हर विद्या के विशेषज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं। आगतम शिव वक्त्रम, भगवान के श्रीमुख से कथा निकलती है और वो सुनती कौन है? पार्वती जी। गतम गिरिजा मुखम च, आगतम शिवम वक्त्रम, शिव के मुख से वक्रता निकली। गतम गिरिजा मुखम च, गिरिजा ने पार्वती के मुख में जाती है। सभी कलाओं शास्त्रों के गुरु हैं। राम कथा इतनी प्रिय है भगवान शिव को कि अगस्त ऋषि के आश्रम में भगवान राम की कथा सुनने चले जाते हैं, इतना ज़्यादा प्रिय है कि वहाँ जाकर के बैठ जाते हैं उनके बीच में और सुनते हैं। अगस्त उन्हें अति प्रिय है। त्रैलोक के स्वामी की रुचि कथा में है क्योंकि जो सुख भक्ति में है वो कहीं नहीं, वो कहते हैं जो सुख भक्ति में है वो कहीं नहीं। भगवान स्वयं ऊपर से त्रैलोक के स्वामी भगवान शिव विष्णु स्वयं पधारे हैं धरती पर लीला करने के लिए। शिव कहते हैं मैं तो नहीं आ सकता लीला करने के लिए, मेरा एक अनुचर आएगा, मेरा एक अंश आएगा, रुद्र के रूप में आएगा और वो आकर के लीलाधारी के साथ लीला करेगा। कौन था वो? हनुमान, रुद्र का अंश था। व्यास ने महाभारत पुराण सब लिख डाले, महाभारत पुराण सभी शास्त्र लिख डाले। लेखन करने वाले ये कहने लगे कि जो श्रेष्ठ लेखन करे वो व्यास, इस युग का व्यास कौन है? ना व्यास पर्याय बन गया, व्यास सिनोनिम बन गया लेखन करने वाले का, इतना कुछ लिख दिया पर उनके अंदर बेचैनी बेचैनी है, संतप्तता ही संतप्तता, स्ट्रेस ही स्ट्रेस, बड़े दुखी। और बड़े दुखी होकर के वो घूम रहे हैं सरस्वती नदी के किनारे और कह रहे हैं एक दूसरे से, अपने से कह रहे हैं इतने शास्त्र पढ़े मन में शांति नहीं, इतने शास्त्र लिखे पर मन में शांति नहीं, आखिर क्यों? तो नारद जी आए, उन्होंने कहा भगवान व्यास, वेद व्यास को 24 अवतारों में से एक माना जाता है, वेद व्यास को 24 अवतारों में से एक अवतार भगवान के वो हैं। भगवान आप कृष्ण की लीला लिखी, श्री कृष्ण की लीला का गान करिए आप, क्योंकि लीला के बारे में जानकर और लीला के बारे में समझकर आपको ही नहीं बल्कि अनेकों को शक्ति प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी, उनको भक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी और शांति मिलेगी। जन्म से वैरागी सुखदेव, आपको मालूम है सुखदेव जब जन्म व्यास जी की पत्नी के गर्भ में आए तो उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं आऊँगा बाहर। अरे भाई 9 महीने बीत गए, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, बाहर आओ, तुम्हारे बाहर आने का टाइम आ गया। नहीं, मैं कब आऊँगा? जब भगवान कृष्ण स्वयं आकर के मुझे कहेंगे अब बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं, तुम आ जाओ तो मैं आऊँगा। तुम बाहर आ जाओ, भगवान कृष्ण स्वयं आए हैं, भगवान श्री कृष्ण के आश्वासन पर वो पैदा हुए और सीधे पैदा होते ही चल दिए, वैरागी बन गए। व्यास ने समझाया ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ के बाद आता है सन्यास, वो तू पहले ही चल दिया, कहाँ जा रहा है तू, अरे इधर आ वापस आ। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा अगर ब्रह्मचर्य से यदि आदमी का कल्याण होता है तो जितने भी अविवाहित हैं नपुंसक हैं सबका कल्याण हो गया होता है ब्रह्मचर्य का पालन करने से, और अगर गृहस्थ जीवन से सबका उद्धार होता है, पशु पक्षी हैं जितने भी हैं न, जितने भी पशु आप सब गिन लेना जितने भी हैं, वो सब के सब जीवधारी मुक्त हो जाते हैं।
और अगर वानप्रस्थी मुक्त होते हैं तो वन में रहने वाले जितने भी वन्य पशु हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं वानप्रस्थी। इसलिए कौन है संन्यास बचा, तो जितने भिक्षाजीवी हैं सब मुक्त हो जाते हैं। तो वो कहते हैं जिस अवस्था में ज्ञान हो जाए मोक्ष हो जाता है। मुझे इस अवस्था में ज्ञान हो गया है, भगवान कृष्ण ने मुझे ज्ञान दे दिया है, मुझे मोक्ष हो गया है। जब विरक्ति तब वैराग्य, जब विरक्ति तब वैराग्य। इसी को संस्कृत में कहा है यद हरियो विरजेत, यद हरियो विरजेत तद हयो पब्रजेत, प्रब्रजेत, प्रब्रज्या, प्रब्रज्या कहते हैं ना परिब्रजा को, प्रब्रजेत। व्यास की भागवत तब लिखी गई जब उनने कहा कि अब मैं भगवान की भक्ति का ग्रंथ लिखूंगा। उन्होंने पूरे भाव से, पूरे भक्ति के भाव से भागवत कथा लिखी। और भागवत कथा लिखने के बाद उन्होंने कहा कि जहां हमारा बेटा समाधि में रथ है, बैठा हुआ है, समाधि में लगा हुआ है, वहां जाकर उसको सुनाना। क्यों? क्योंकि अगर वो वैराग्य की स्थिति में होगा और भक्ति के प्रति रुचि होगी तो जाग जाएगा, समाधि से उठ जाएगा। सुखदेव समाधिरत थे, समाधिरत थे, वहां जाकर के सुनाया, तुरंत नींद, तुरंत उनकी समाधि खुल गई। उन्होंने कहा किन्ने लिखे हैं भाई, इतना सुंदर श्री कृष्ण का जीवन अमृत किसने लिखा है, ये किन्ने लिखा है, संस्कृत में सुनाया गया। तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी ने लिखा है और आपके पिताजी ने आपको बुलाया है, आप चलिए उनके पास। परम ज्ञानी सुखदेव पिता के पास आए, पिता को प्रणाम किया। पिताजी आपने ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य किया है। तो कहा बेटा तुझे ये कथा सुनानी पड़ेगी, जगह जगह जब जरूरत पड़े तो तुझे कहानी कथा सुनानी पड़ेगी। हर बार समाधि में जाना जरूरी नहीं है, तुम ये सुना करके भी समाधि में जा सकते हो। परम ज्ञानी सुखदेव कथा के सुख को भी समाधि के सुख से बड़ा सुख मानते हैं। सुखदेव जी कथा के सुख को भी समाधि से बड़ा सुख मानते हैं। अगर कथा में सुख मिले, अगर कथा में रस आए, अगर कथाकार इतना ज़्यादा मजबूत हो कि सामने वाले के अंदर पिरो दे भगवान की भक्ति के अमृत को, तो फिर कथा में रस आने लगता है। और जैसे डोंगरे महाराज थे, डोंगरे महाराज, मैंने कथा सुनी उनकी, परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबको भेजा था, हम करीब 20-25 कार्यकर्ता शांति कुंज के, 78-79 की बात है, हम लोग गए थे सब सुनने के लिए ये सत्यमित्रन जी के आश्रम में। और मैं देखा वास्तव में उनको जो कुछ मिलता था दान में वो सारा का सारा वहीं कहीं पूरा दे देते थे, और अपने लिए मूंग की दाल खाते, डोंगरे जी महाराज मूंग की दाल, हाथ में जितना मूंग आ जाए उतना ही मूंग उबाल करके खाते थे, बस ऐसे संत भी हुए हैं। और डोंगरे जी महाराज आज के युग के सुखदेव कहे जाते हैं वास्तव में, सही अर्थों में, कि उन्होंने सही अर्थों में कथा कह करके उस परंपरा को जिंदा रखा। जब श्री राम जाने लगे, अब ये कथा को यहीं विराम देते हैं, इस कथा को थोड़ा आगे जाके लेंगे, सुखदेव जी कथा को थोड़ा आगे। जब श्री राम जाने लगे तो हनुमान जी बोले हम कैसे रहेंगे आपके बिना, आप महाप्रयाण कर रहे हैं, आप जा रहे हैं गोलोक को जा रहे हैं, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। तो उन्होंने कहा हमारी अनुरक्ति तुम में और तुम्हारी अनुरक्ति हम में, हम तो तुम ही में समाए हैं। तो उन्होंने कहा हम ढूंढेंगे कहाँ आपको, आप मिलेंगे कहाँ, और जब चाहोगे प्रकट हो जाएंगे, जब चाहोगे प्रकट हो जाएंगे, तुम हमें हमारी कथा में ढूंढना। भगवान राम बता रहे हैं हम कहां मिलेंगे, हम जहां हमारी कथा हो रही होगी वहां हम जरूर बैठे होंगे, तुम ढूंढोगे हम मिल जाएंगे। तुम समर्थ हो, योग सिद्ध हो, अनंत रूपों में अनंत मेरी कथा सुनना, अनंत रूप में अनंत कोट ढंग से मेरी कथा सुनना। तुलसीदास जी भटक रहे थे, सोच रहे थे कि मेरा क्या होगा, राम को कहाँ से ढूंढें, क्योंकि उनकी पत्नी ने कह दिया था काश आपने भक्ति राम से की होती, तो जो आपने मेरे प्रति वासना का भाव रखा हुआ, यदि आपने इतना ही भाव राम के प्रति रखा होता आपका उद्धार हो गया होता। अब राम को कहाँ से ढूंढें, राम मिल नहीं रहे हैं, राम की कथा लिखने का साहस उन्होंने समय नहीं किया था। वो जंगल में शौच के लिए जाते थे तो एक बबूल के पेड़ पर पानी डाल दिया करते थे, बबूल के पेड़ पर पानी डाल देते थे, और रोज का नियम हो गया था उनका। ऐसा कहा जाता है कि 41 दिन तक यदि एक ही बबूल पर पानी डाला जाए तो भूत सिद्ध हो जाता है। समझ में आई कि नहीं तुमको बात, एक ही बबूल का पेड़, उसको यदि पानी दिया जाए तो उस पेड़ के, बबूल के पेड़ पे यदि भूत है तो वो सिद्ध हो जाता है। तो एक बेताल भूत सिद्ध हो गया उसमें, वो पुराने बबूल के कारण
और या फिर उसकी कुछ रही होगी कि भाई तुलसीदास जी के हाथों ही तुझे सिद्ध होना है, तुझे मुक्त होना है। निकल के बाहर आ गया बेताल और आकर के बोलता है मैं बबूल का भूत हूँ, आप बताइए क्या चाहिए, आपकी कामना क्या है। बोले मुझे राम से मिला दो। पर तुम कहाँ से आ गए प्रभु? तो बोले 41 दिन तक आपने पानी डाला ना, उसकी वजह से मैं जिंदा हो गया। अच्छा, तो मुझे राम से मिला दो। तो वो बोले कि यदि मैं मिल पाता राम से तो मैं भूत क्यों बनता? आप मुझसे क्यों कह रहे हो? मुझे राम से मिला दो। तो तुमने क्यों पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? बोले मैं आपको पता बता सकता हूँ राम का, राम का पता बता सकता हूँ। मैं नहीं जा सकता वहाँ पे, मैं सामना नहीं कर सकता, परंतु आपने आज चूंकि मुझे इससे उबारा है तो आप मेरा उद्धार कर देंगे, अब मेरा उद्धार हो जाएगा। राम की कथा में यहाँ से थोड़ी दूर मंदिर है, चित्रकूट के बारे में बताते हैं, यह मंदिर है और इस मंदिर में एक गलित कुष्ठ का रोगी आता है। वो आके सबसे पहले आ जाता है और सबसे दूर बैठता है, भाव से सुनता रहता है। जब राम कथा चलती है तो आंसू बहते रहते हैं, सबसे लास्ट में प्रणाम करके चला जाता है। मैं आपको पता बता रहा हूँ और आपको वर्णन बता रहा हूँ कहाँ ढूंढना, किसको ढूंढना। वो गलित कुष्ठ का रोगी नहीं है, वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने वो स्वरूप धारण कर रखा है ताकि लोग उनसे दूर रहें। उनके चरण पकड़ लेना और चरण पकड़ के उनसे पूछना कि अब करण चरण तभी छोड़ूंगा जब आप राम का पता बताओगे, चरण तभी छोड़ूंगा जब राम के बारे में आप मुझे बताओगे, राम के बारे में क्या करूं मैं, राम की कथा लिखने का मेरा मन है, तब आप बता। इतना कहकर बैताल चला गया, सिद्ध हो गया बैताल, तो मुक्त हो गया। अब वो तुलसीदास जी गए, उसी मंदिर में गए, वहां जाकर बैठे, चरण पकड़ लिए। बोले हम जान गए कि आप कौन हैं। बोले कौन है बताओ। बोले आप हनुमान जी, हमें बताइए आप कौन हैं, हमें भगवान से मिला दो। उन्होंने कहा अच्छा चलो ऐसा करो, तुमको भगवान से मिला देंगे। चित्रकूट की जो चित्रकूट कितने लोगों ने देखा है तुम में से? चलो कुछ बच्चों ने भी देखा है, कुछ बच्चों ने भी देखा है। चित्रकूट में कामतगिरी पर्वत है, मैंने उसकी परिक्रमा की है और गिनती से की, घड़ी के हिसाब से। लोगों ने कहा इसकी परिक्रमा 40 मिनट से कम में नहीं होती। मैंने आज से करीब कितने साल हो गए, 14 साल हो गए, 14 साल पहले मैंने वो परिक्रमा 35 मिनट और 30 सेकंड में की थी और वो करीब करीब उसकी परिक्रमा का पथ जो है वो है 8 किलोमीटर पूरी कामतगिरी की परिक्रमा एक सांस में करनी पड़ती, पूरी कर लें। मैंने की उस परिक्रमा को। तो उन्होंने कहा कामतगिरी की परिक्रमा आप करना, आपको भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे। कामतगिरी की परिक्रमा के लिए गए तुलसीदास जी, तो उन्होंने देखा कि दो धनुषबाणधारी राजकुमार, सुंदर से राजकुमार चले जा रहे हैं परिक्रमा पथ पे साथ साथ, और मुस्कुराए रहे इनकी तरफ देख के तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने प्रणाम कर लिया, नमस्कार कर लिया। तुलसीदास जी को समझ में नहीं आया कौन है, कोई होंगे राजकुमार होंगे, दो भाई हैं चले जा रहे हैं, अति सुंदर, घोड़ा भी सुंदर, वो भी सुंदर, मुकुट गले में, धनुषबाण। हनुमान जी के पास गए, बोले कामतगिरी की इतनी परिक्रमा लगा ली, 30 परिक्रमा अभी तक, अरे आज दर्शन नहीं हुए तुमको? किनके? राम लक्ष्मण थे, घोड़े पे बैठे थे इतने सुंदर राजकुमार के रूप में। अरे महाराज वो तो चले गए मेरे सामने से, मेरे आंखों के सामने, देख ही नहीं पाया मैं तो उनकी सुंदर छवि को, निहार भी नहीं पाया, और आपने इतनी जल्दी उनको बता तो देते कि वैसे आ रहे हैं। बोले बताने से थोड़ी काम चलता है, खुद पहचानना पड़ेगा। वही तो थे दो राजकुमार, जब पहचाने तब भगवान के दर्शन हो, भगवान के दर्शन तो हुए नहीं। चलो कोई बात नहीं, दोबारा मिलेंगे। हनुमान जी बोले दोबारा मिलेंगे, तुम चिंता मत करो। मंदाकिनी किनारे तुलसीदास जी जप कर रहे थे, जप करते करते चंदन सामने रखा हुआ था। दो बच्चे आए, बाबा बाबा हमें टीका लगा देना। दो बच्चे आए बहुत सुंदर से, बाबा बाबा हमें टीका लगा दो। अब हनुमान जी ने कहा ये तो महाबुद्धू है गोस्वामी जी, इसको तो संकेत देना पड़ेगा। तो हनुमान जी तोता बनकर आए और तोता बनकर के उन्होंने कुछ बोला। क्या बोला उन्होंने? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तलक तिलक लेत रघुवीर। रघुवीर तिलक ले रहे हैं, लगवा रहे हैं, तिलक करवा रहे हैं, और रघुवीर तिलक करवा रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने कहा तिलक लेत रघुवीर, बच्चों को टीका लगाते लगाते दोनों पैर पकड़ लिए उन्होंने। अरे उन्होंने कहा प्रभु अब नहीं छोड़ेंगे आपको, आप कहाँ से आ गए बीच में? अरे हम तो छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, बस हम उन्होंने कहा हम जानते हैं कौन हो आप, राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण साक्षात सार्थक स्वरूप में आए
वही धनुष बाण वाले स्वरूप में आए, धनुष बाण वाले स्वरूप में आकर के उन दर्शन दिए। और इस घटना के बाद तुलसीदास जी ने 90 साल की उम्र में रामायण लिखी। कल्पना कीजिए कि कथा का महत्व कितना होता है। कथा में हनुमान जी जाते हैं और उस रामायण को लिखने के बाद उस रामायण का प्रसंग जो चलता है, रामचरितमानस का प्रसंग चलता है, कितना महत्वपूर्ण है। श्री रामकृष्ण परमहंस के आश्रम में एक हरिप्रसन्न चटर्जी नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। विज्ञानानंद नाम रखा गया उनका, संन्यास के बाद विज्ञानानंद बने, विज्ञानानंद। सन्यासी थे, इंजीनियर थे। उस जमाने में जैसे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होता है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर होता था। वो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर थे हुगली जिले के। संन्यास ले लिया उन्होंने नरेंद्र नाथ की प्रेरणा से और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के वो शिष्य बन गए। छोटे छोटे लोग जो हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं आता, चार पांच बड़े बड़े शिष्यों के बारे में आता है। मैंने थोड़ा सा पैनल देना चालू किया अखंड ज्योति में कि इन सब के बारे में बताऊं। देयर आर टू बुक्स, गॉड लिव्ड विद देम एंड दे लिव्ड विद गॉड। दो किताबें हैं, बड़ी बड़ी किताबें, दो मोटी मोटी किताबें हैं स्वामी चेतनानंद जी की। गॉड लिव्ड विद देम, परमात्मा उनके साथ रहा। किनके साथ? 13 लोगों के साथ, जो खास सीनियर जो साक्षात डायरेक्ट डिसाइपल थे। दे लिव्ड विद गॉड, ये करीब करीब 38-40 लोगों के विवरण है। इन्हीं में विज्ञानानंद जी का नाम है। शादी नहीं की थी, मस्त रहते थे। चोगा एक लंबा सा पहनते थे, उसमें कई जेब होती थी, उस चोगे में कई जेब होती थी, किसी में भी कुछ ना कुछ भरा रहता था। बच्चों को वो टॉफी बांटते थे, किसी में टॉफी, किसी में नमकीन, किसी में आलू के चिप्स, कुछ भी, मतलब मजाक में बोल रहा हूँ, कुछ भी बांटते रहते थे। मतलब हर चीज तरह तरह भरी रहती थी। बोलते थे मैं अपने आप को राम जी का मंदिर मानता हूँ, ठाकुर आए तो मैं आया, ठाकुर आए तो मैं आया, रामकृष्ण को भी राम के रूप में मानता हूँ। रामकृष्ण के जाने के बाद रामकृष्ण की प्रेरणा से, नरेंद्र नाथ की प्रेरणा से, उन्होंने वाल्मीकि रामायण का इंग्लिश रूपांतरण किया। दिस इज द ओनली ऑथेंटिक ट्रांसलेशन अवेलेबल। एक इंजीनियर होने के नाते इंग्लिश बहुत अच्छी थी उनकी। और जब करते थे तब करते थे जिस समय कोई डिस्टर्ब न करे, कोई किस तरह डिस्टर्ब न करे। तो किसी ने पूछा आप क्या करते हैं, ये अनुवाद नहीं है, मैं कथा में इतना रम जाता हूँ कि मैं भगवान को डायरेक्ट वॉच करता हूँ। जैसे मैं तुलसीदास जी की जो कथा सुना रहा हूँ ना, उसी तरह विज्ञानानंद जी की कथा सुना रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण का जब मैं अनुवाद करता हूँ तो इतना रम जाता हूँ कि मेरे सामने राम, सीता, हनुमान सब आ जाते हैं, मेरे सामने खेलते रहते हैं और मैं उनके बारे में लिखता रहता हूँ। वो पूरा अनुवाद तो नहीं कर पाए, 3/4 कर पाए, 1/4 उनके शिष्यों ने किया बाद में आगे चल के। और ये सबसे ऑथेंटिक अनुवाद है इंग्लिश में वाल्मीकि रामायण का, स्वामी विज्ञानानंद जी, अद्वैत आश्रम, धंतोली मठ नागपुर का। कथा से भाव रूपांतरित होते हैं, कथा से भाव रूपांतरित होते हैं, वासना भावना में बदलती है। तंत्र में लिखा है गुरु बनने लायक कौन है, गुरु बनने लायक वही है जो चित्त शुद्धि कर चुका है। तंत्र में लिखा है कि तपस्वी और सिद्ध को गुरु नहीं बनाना चाहिए। कोई तपस्वी हो, कोई सिद्ध हो, उसको गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु किसको बनाना चाहिए? जिसने भावों के माध्यम से अपनी चित्त शुद्धि कर ली हो। तत्व ज्ञान चित्त शुद्धि से होता है, वृत्तियों के सात्विक होने से होता है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या गुरु, गुरु गुरु क्या दे पाएगा? चित्त शुद्धि जिसकी नहीं हुई है वो क्या दे पाएगा? कर्म बीजों के क्षय के रूप में, सात्विकता की वृत्ति के विकास के रूप में, और ये कार्य चित्त शुद्धि कथा से आसान हो जाती है। कथा श्रवण से चित्त शुद्धि, भावों का रूपांतरण, कर्म बीजों का क्षय जितना जल्दी संभव है उतना जल्दी और किसी माध्यम संभव नहीं। तो क्यों तंत्र की शरण में जाना, क्यों योग साधनाओं की शरण में जाना? भक्ति से श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं, कथा सबसे आसान साधन है। परीक्षित पांडवों के अंतिम वंशज, अब यहाँ फिर सुखदेव जी आएंगे। कलयुग प्रकट हो गया, बोला मैं आ गया हूँ और आपके राज्य में निवास करने लगा हूँ। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ नहीं रह सकते, मेरे पास दिव्यास्त्र है, मैं तुम्हें मार दूंगा, जान से मार दूंगा। कलयुग जिस रूप में आया था, उन्होंने कहा कि परीक्षित तुम्हें सामर्थ्य है, तुम मुझे मार सकते हो, पर तुम मुझे ज़्यादा दिन टाल नहीं सकते, तुम मुझे मारो मत। तुम ये बताओ मैं कहाँ रहूँ, तुम मुझे कोई स्थान बता दो जहाँ मैं रहूँ। तो कलयुग ने 4 स्थान बताए। पहला स्थान जहाँ जुआ खेला जाता हो,
दूसरा स्थान जहाँ चोरी होती हो, तीसरा जहाँ व्यभिचार की चर्चा चलती हो, हम सत्संग की बात कर रहे हैं वहाँ उल्टा व्यभिचार की चर्चा चलती हो, चौथा स्थान गलती से राजा के मुँह से निकल गया स्वर्ण, तुम स्वर्ण में रह सकते हो, सोने में रह सकते हो, जहाँ सोना हो वहाँ रह सकते हो। स्वर्ण एक ऐसी चीज है जो किसी को भी लालची बना सकते, पर परीक्षित मुकुट पहने हुए तो कलयुग कहाँ बैठ गया, सोने के मुकुट में जाके बैठ गया। अब कलयुग को स्वर्ण के रूप में मौका मिल गया, परीक्षित के मुकुट में घुस गया, बुद्धि तामसिक हो गई, परीक्षित की बुद्धि तामसिक हो गई। एक प्यासे ऋषि के पास जाकर के उन्होंने मांगा, मैं कल ऋषि का नाम बता दूंगा, ऋषि ऋषिपुत्र का, पानी मांगा, पानी दीजिए, समाधि में थे, बहुत प्यास लगी थी, तो मरा हुआ सांप था वहाँ पर, इतना गुस्सा आया उनको कि बुद्धि तामसिक हो गई थी, मरा हुआ सांप वहाँ रखा था उसको डाल दिया उनके गले में और चले गए। बड़ा ढोंगी है ये ऋषि, राजा आया है और राजा को पहचान नहीं रहा है और हमें पानी नहीं दे रहा है। थोड़ी देर बाद उनका पुत्र आया, उसने कहा कि ये जिसने भी सांप डाला है इसको सातवें दिन सांप ही काटेगा, और तक्षक के रूप में सबसे जहरीला सांप जो है वो आएगा और काटेगा, मेरे सारे जीवन की ऊर्जा तप की ऊर्जा लगा करके मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, वो जल हाथ में लेकर के उसने श्राप दे दिया, मेरे सारे जीवन की तप ऊर्जा मैं इसमें लगा रहा हूँ और इस श्राप को किसी के कहने से नहीं काटा जा सकेगा, इसका भी मैं प्रोविजन निकाल देता हूँ पूरा। तो सब कुछ कट गया, सब खत्म हो गया। अब जब ऋषि को होश, ऋषि समाधि टूटी, तो उन्होंने देखा कि बेटा उनका बेटा है, रो रहा है सामने, सांप एक तरफ रखा हुआ है, क्यों क्या हुआ बेटा, दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा, अच्छा परीक्षित आए थे, परीक्षित की बुद्धि तामसिक हो गई थी, उन्होंने गलती से सांप डाल दिया और तूने उनको श्राप दे दिया, सात दिन में मर जाएगा, इतना अच्छा राजा कहाँ मिलेगा, जिसके राज्य में इतना ज़्यादा सुख है, जिसके राज्य में इतना ज़्यादा आनंद ही आनंद है, जिसके राज्य में प्रजा सुखी है, कलयुग को टाला जा सकता था थोड़े दिन, पर तूने जो है तामसिक बुद्धि के प्रभाव से अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो तूने इतना बड़ा श्राप दे दिया। अरे श्राप में गुंजाइश तो छोड़ता कि हाँ इस श्राप को मेरे पिता छोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, या कोई और सिद्ध संत आए तो तोड़ सकता है, तो अब तो तूने श्राप दे दिया। राजा परीक्षित के पास संदेश भिजवाया, राजा परीक्षित से कहा आप अपनी मृत्यु को अच्छी बना लीजिए, सुंदर बना लीजिए, मृत्यु तो अवश्य संभावी है, सात दिन में आप मर जाएंगे। राजा परीक्षित के पास वो गए, उन्होंने कहा मृत्यु सभी को आती है, उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम बताते हैं आपको, आप सुखदेव ऋषि सुखदेव जी के पास जाइए। अब इसमें एक बहुत सुंदर सी बात है, यदि मृत्यु के समय अच्छे भाव हों तो आदमी तर जाता है। गीता में 8वें अध्याय में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, अंतकाले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, यह प्रयाति मद्भावम याति नास्ति अत्र न संशय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ जाता है, शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। अगर तुम चाहते हो तो तुम 7 दिन तक कथा सुनो, केवल कथा सुनो, कथा सुन के तुम पार हो जाओगे। राजा परीक्षित सुखदेव जी के पास गए और उनसे कहा कि मेरे अंतिम समय को मुक्त करने के लिए कुछ तरीका बताइए। उन्होंने कहा देखिए, योग साधन, सुषुम्ना से प्राणवायु, प्राणवायु से ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मरंध्र से मोक्ष। बोले ये कुंडलिनी उंडलिनी हमसे नहीं हो पाएगी 7 दिन में, आप ये रास्ता मत बताइए, कोई दूसरा रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम 7 दिन तक भगवान की कथा सुनो और हम सुनाएंगे तुमको कथा। सुखदेव जी ने शुक्रताल में कथा सुनाई उनको। सुखदेव राजा महाराजा से दूर रहते थे, परंतु परीक्षित की रेपुटेशन थी, परीक्षित की प्रतिष्ठा थी, सारे भारत के राजा थे। उन्होंने कहा कि परीक्षित के लिए हम कथा सुनाएंगे। परीक्षित ने शुक्रताल, मुजफ्फरनगर जिले में शुक्रताल, राजा संत कल्याण देव जी का जो आश्रम है वहाँ पर कथा सुनी। मृत्यु के द्वारा अगर किसी जीवात्मा का उद्धार हो सकता है तो कथा के द्वारा किसी जीवात्मा का उद्धार हो सकता है तो वो हम करेंगे और मृत्यु को सुखद बना देंगे। उन्होंने 7 दिन में कथा सुनाई। ये सप्ताह क्यों बोलते हैं इसको मालूम है? सप्ताह क्यों बोलते हैं? मूलाधार से ऊपर सहस्त्रार तक 7 चक्रों को खोलती जाती कथा। पहले दिन मूलाधार को खोलती है, दूसरे दिन आगे विदुष्टि विशुद्धि आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र सातों चक्रों को 7 दिन में खोल देती है, मोक्ष का द्वार खोल देती है। कोई कथा सुनने जाए उसको मैं सुना दूं अगर ये बात, तो कहेगा 7वें दिन मुक्ति हो जाएगी, तो मैं नहीं जाता कथा में। उसको जीवन जीना है ना, उसको जीवन जीना है।
वास्तव में हमारे चक्रों को जागरण करने की विधा है सप्ताह। 7 दिन की भागवत सुनाई और भागवत सुनाते सुनाते कहीं राधा का नाम ना आ जाए। सुखदेव जी जो थे वो राधिका की लीला शुक थे, राधिका की लीला शुक। लीला शुक कैसे? भगवान शंकर ने पार्वती को अमरनाथ जी में कविता सुनाई, ग्रंथ सुनाया, एक रहस्य सुनाया, मर्म सुनाया पूरा। और वो जो सुना रहे थे अमरत्व की कथा सुना रहे थे, इसलिए उसको अमरनाथ जी की गुफा कहते हैं, है ना? वो क्या इसके कश्मीर में कौन सा है स्थान? अमरनाथ की गुफा है। तो वहाँ पर एक तोते के रूप में ये विराजमान थे कथा सुनने के लिए। कौन? सुखदेव जी, पूर्व जन्म में। और पूर्व जन्म में विद्यमान थे श्री कृष्ण पार्वती को कथा सुना रहे थे। पार्वती थोड़ी देर कथा सुनती रहीं, एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर था, कथा थी पूरी पूरी, वैसी नींद आ गई उनको हल्की सी। अब हुंकार भरने की जरूरत पड़ती है कथा में, तो सुनो पार्वती ऐसा हुआ, हूँ। अब वो हूँ पार्वती ने बंद कर दिया, वो हूँ तोता बोलता, हूँ लगा दे रहा। तो जब कथा खत्म हो गई तो पार्वती जी वो जहाँ जिस प्रसंग पे सो गई थी उसके बाद बोली, उसके बाद आपने क्या कहा? तो बोले, फिर कौन सुन रहा था? वो हुंकारा कौन भर रहा था? जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान शिव ने देखा तो उनको वो तोता दिखाई दिया। वो तोते के पीछे भागे, तोता उतनी तेजी से भागा और जाकर के व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाके बैठ गया, सीधा वहां जाके बैठ गया। और वहां जाकर के बैठने के बाद उसने कहा, अब मैं सुरक्षित हूं यहाँ पे। वहां से फिर मैंने कथा सुना थी ना उसके पहले की, तो कि व्यास जी के वहां से निकले तो शंकर जी ने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि भगवान कृष्ण ही आकर के इसको जगाएंगे और इसने जो सुन लिया है। पर जब कथा सुनाने लगे परीक्षित को तो उनके पास आकर के भगवान शंकर ने कहा कान में आकर के, गलती से भी राधा का नाम मत लेना, इसलिए भागवत में कहीं राधा का नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं। क्यों? राधा का नाम लेते ही 6 महीने की समाधि हो जाती थी सुखदेव जी को समाधि आ जाती थी। और समाधि आ गई तो कथा तो वहीं की वहीं रह गई, सब बैठे हुए हैं कि समाधि। इसलिए राधा का नाम पूरे श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं है। और श्रीमद् भागवत के बारे में लोग बार बार ये पूछते हैं राधा का नाम क्यों नहीं है, राधा का नाम इसी कारण नहीं। राधिका की लीला शुक, राधा नाम से 6 माह की समाधि, इसलिए भागवत में राधा का नाम नहीं है। परीक्षित का 7वें दिन में सप्त चक्रों का वेधन हुआ, एक एक चक्र ऊपर जाता चला गया, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय हुआ, चित्त शुद्ध होता चला गया, ऊर्ध्वारोहण होता चला गया और एक समाधि की पूर्व वेला कहलाती विवेक ख्याति। समाधि से पहले विवेक ख्याति को प्राप्त हुए और 7वें दिन वो कैसे मुक्त हुए मालूम? तक्षक चला इधर से काटने के लिए, एक ब्राह्मण मिला रास्ते में, ब्राह्मण मिला, उसने कहा कि अरे एक सांप आप क्यों जा रहे हैं महाराज? तक्षक भी ब्राह्मण के वेश में, वही ब्राह्मण के वेश में, ब्राह्मण महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? बोले एक सांप राजा को डसने जा रहा है, और सांप राजा को डसने जा रहा है, हम उसको जिंदा कर देंगे। आप जिंदा कर देंगे? कैसे? मेरे मंत्र में बल है, मैं अपने मंत्र के बल से राजा को जिंदा कर सकता हूँ, तक्षक का विष भी मार सके, ऐसे मेरे पास वो है, विद्या है। क्या है? मंत्र शक्ति। अच्छा दिखाओ जरा ऐसा करो कि कैसे दिखाओगे? तो बोले देखो हम ही तक्षक हैं, हम तुमको सामने वाला पेड़ जो है इस पेड़ को ऊपर जहर डाल के इसको मुरझा के दिखाते हैं। पेड़ पे जहर डाला, मुरझा गया पूरा के पूरा जहर, पेड़ सूख गया। तो उन्होंने कहा अब इसको जिंदा करके दिखाओ। ब्राह्मण ने अपना मंत्र बोला, मंत्र के ऊपर सारा पानी छींटा, कोपले फूट पड़ी, मंत्र से कोपले फूट गई, पेड़ हरा हो गया। तक्षक ने कहा ये तो भाई हमारा काम को उल्टा कर देगा, हम तो मारने जा रहे हैं राजा को, परीक्षित को। तो उसने कहा किस लिए जा रहे हो? बोले भाई राजा को जिंदा करेंगे, राजा धन देगा, कुछ नहीं तो 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो देगा। 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं? अरे हम तुमको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, वापस चले जाओ, क्या फ़ायदा? तो ब्राह्मण तो था ही वैसे ही लोभी टाइप का, उसने कहा चलो अब तुम कह रहे हो तो हम वापस चले जाते हैं, तुम मार लोगे भगवान उनको, परीक्षित को। बोले हमारा तो काम वही है, विधि का विधान है, विधि के विधान को तुम टाल नहीं सकते, तुम 1 करोड़ मुद्राएं हमसे लो, यहीं हम जमीन में छेद करते हैं, यहीं से निकालो, तुम भाग जाओ इनसे। ब्राह्मण चला गया वापस और तक्षक चला गया। तक्षक गया और उनका जो माला जाती थी उस माला में एक फूल में कीड़ा बन के बैठ गया, उसने डस लिया।
ग्रंथि भेदन हो चुका था, सातों ग्रंथि भेदन हो चुका था। उनको पता चल गया था कि अब मेरे को काटने के लिए तक्षक आ रहा है, जीवन मुक्त हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए कथा अमृत से मुक्ति हो गई। कथा का अमृत जो है वो आदमी को मुक्ति दे लेता है। कथा से जीवन का सही अर्थों में सब कुछ हमारे जीवन में जो जो भी कुछ है बचा हुआ अंश, वो सारा सारा कथा के अमृत से पूरा हो सकता है। कथा के बारे में थोड़ा सा और, थोड़ा इसलिए कि ये कथा अगर जीवन में नहीं उतरी तो कथा श्रवण का महत्व नहीं जीवन में उतरा तो समझ में नहीं आ पाएगा आपको। राम कथा में गोसाई जी कथा लिख रहे थे, लिखते समय हनुमान जी मार्गदर्शन दे रहे थे। गोस्वामी जी कथा लिख रहे थे और वो मार्गदर्शन कौन दे रहे थे? उन्होंने कहा एक चौपाई लिखी, धरी न काहू धीर, सबके मन मन से जा रहे। कोई आदमी धीरज धारण कर नहीं पाता, सबके मन मन से जा रहे। मन से जाने कामदेव, सबके दिमागों में आज कामदेव छाया पड़ा है। तो धरे न काहू धीर, धीर किसी के मन में धैर्य नहीं है, सब स्ट्रेस्ड हैं, सब बेचैन हैं, अतृप्त हैं, क्योंकि सबके सब मनसिज के कारण, मनसिज यानी कामदेव के कारण सब परेशान है। अब इसके आगे की लाइन क्या हो? उन्होंने पहली लाइन तो लिख दी, ये रामायण में आई है, घूमते रहे यहाँ से वहाँ तक, घूमते रहे। तो उन्होंने तुलसीदास जी ने देखा कि हनुमान जी आए, हनुमान जी अगली लाइन लिख के चले गए, जो राखे रघुवीर, जो राखे रघुवीर उबरे ते ही काल मम। जो रघुवीर को ध्यान में रखता है वो उस काल में मुक्त हो जाता है पूरी तरह से। कथा की इतनी महिमा होती है कि भगवान की कथा सुनता है वो कामदेव के प्रकोप से मुक्त हो जाता है। ये रामचरितमानस की कथा है। दूसरी लाइन जो है हनुमान जी ने लिखी, राम जिनकी रक्षा कर रहे हों और राम जिनके साथ हों, जो राम की कथा में निरत हो, राम उनकी रक्षा करते हैं और उस काल में उसको उबार लेते हैं। बड़ी निरक्ष विलक्षण लीला है ये रामायण रामचरितमानस। बालकांड से अरण्यकांड तक शिव की वंदना पहले है, राम की वंदना बाद में है। बालकांड से अरण्यकांड तक पहले शिव जी की वंदना है, फिर राम जी की वंदना है, तुलसीदास जी ने की है। बाद में किष्किंधा कांड से लेकर आखिर तक राम की वंदना पहले है और शिव की वंदना बाद में है, क्योंकि रुद्रावतार भगवान शिव स्वयं हनुमान के रूप में अरण्य कांड में प्रकट हो जाते हैं, इसलिए शिव की वंदना को फिर सेकेंडरी बना दिया गया और राम की वंदना पहले कर दी गई, क्योंकि भगवान शिव राम के अनुचर हैं। भगवान शिव राम को कथा सुनने के लिए आते हैं और भगवान शिव को इतनी अच्छी लगती कथा। भगवत कथा में अनेकानेक गुण प्रसंग हैं। भगवत कथा में एक का पांडित्य, दूसरे की जिज्ञासा, तो भक्ति चरम उत्कर्ष पर पहुँचती है। हमारे आपके कर्म दिव्य नहीं हो सकते, परंतु यदि कथा यदि हम सुनते रहेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से बहुत कुछ हमें मिलता चला जाएगा। गुरुदेव का जो जीवन प्रसंग है, लीला युग दृष्टा का जीवन दर्शन यदि आपने पढ़ा हो प्रथम वाङ्मय, उसके माध्यम से हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारी श्रद्धा मजबूती आती है। गुरुदेव के जीवन दर्शन को हम पढ़ते हैं, जितना जितना हम गुरुदेव के जीवन दर्शन को पढ़ते हैं उतना ही हमारे जीवन में उनके प्रति, उनके कार्यों के प्रति, उनके आदर्शों के प्रति हमारे अंदर एक तरह से शक्ति आती चली जाती है, उनके प्रति भक्ति बढ़ती चली जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ने हमसे एक बात कही है, कोई कहे तुमसे कि हम तुम्हारे गुरु से ज़्यादा विद्वान हैं मान लेना, ज़्यादा सिद्ध हैं मान लेना, कोई कहे हम ज़्यादा तपस्वी हैं मान लेना, कोई कहे हम वैभवशाली हैं मान लेना, हो सकता है ऐसे इतने लोग मिल जाएं, लेकिन अगर कोई कहे तुमसे कि हम तुम्हारे गुरु से ज़्यादा प्यार दे सकते हैं, मना कर देना, नहीं, हमारे गुरु से ज़्यादा प्यार करना कोई नहीं, किसी ने नहीं किया हमको। हमारे गुरु सबसे ज़्यादा प्यार दे के गए, क्योंकि हमारा गुरु प्यार का पुंज था, हमारे गुरु ने जो प्यार दिया उस प्यार के माध्यम से ही हम लोग गायत्री परिवार के इतने बड़े विराट स्वरूप को बना पाए। प्यार के बलबूते ही गुरुदेव ने औरों को जीता, दूसरों के सुख दुख देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, और यह प्रसंग हम सबको याद रखना चाहिए, इसी के माध्यम से हम परम पूज्य गुरुदेव को सही अर्थों में अपने जीवन में उतार सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं 45 वर्ष पूर्व, मतलब 71 में गुरुदेव लिख रहे हैं, हमने अपना शरीर मन मस्तिष्क अस्तित्व और अहंकार सब कुछ मार्गदर्शक को दे दिया, हमारा शरीर ही अंतरंग भी उनका खरीदा हुआ है, अपनी कोई इच्छा शेष नहीं रही, भावनाओं का समस्त उभार उसी अज्ञात शक्ति के नियंत्रण में सौंप दिया। यह समर्पण हमें शुरू में बड़ा महंगा लगा, कष्टकारक लगा,
लिखा उसमें घाटा ही घाटा है, पर जैसी वस्तु स्थिति समझ में आई लगा यह घाटे का सौदा नहीं है, असंख्य गुना लाभ है। जिसके हाथों हमने अपने शरीर को मन को बेचा, बदले में उसने हमें अपने आप को बेच दिया, हमारे गुरु ने अपने आप को हमें बेच दिया, हमने सब कुछ अपना उनको सौंप दिया, उन्होंने हमारा सब कुछ अपने पास सौंप दिया। आज जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है उससे हजार गुना लाख गुना हमारे पास छिपा पड़ा है, वह हमारा नहीं है, हमारे गुरु का दिया हुआ है, जिनकी आत्मा से हमने विवाह कर लिया, अपना आपा सौंपने के फलस्वरूप सारा वैभव हमने करतलगत कर लिया। इस प्रकार ये समर्पण हमारे लिए घाटे का नहीं नफे का सौदा हुआ। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अप्रैल 1971 की अखंड ज्योति का संपादकीय पृष्ठ 54 अप्रैल 97 की अखंड ज्योति। भगवत कथा के प्रति अनुराग सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, सबसे सुलभ मार्ग है मन को लगाने का भगवान के प्रति अनुराग। परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन को बार बार लाना, भगवान के बारे उनके बारे में बताना इसलिए हम करते हैं ताकि उनके लीला प्रसंगों में आपके विषय में मन में भी चिंतन आने लगे। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीड़ितम कलमशा संकल्प श्यामहम। इसका अर्थ मैं बताता हूँ। हे प्रभु, आपका कथामृत संसार की पीड़ा से त्रसित लोगों को शांति देने वाला है, लोगों के पापों को हरने वाला है, सुनने में मंगलकारी है, धन्य हैं वे लोग जो नित्य इसका रसपान करते हैं। श्रीमद् भागवत में एक बात भगवान ने और लिखी है, मैं वहां रहता हूं जहां मेरी चर्चा होती है, मैं वहां रहता हूं जहां मेरी चर्चा होती है। नारद जी ने पूछा, भगवान आप कहां रहते हैं? उन्होंने कहा, मैं वहां रहता हूं जहां मेरी चर्चा होती है। अब आप उनकी चर्चा ही नहीं करते हो, आप लोग क्या चर्चा करते हो? लौकिक। आप लोग क्या करते हो? ये रसीले प्रसंगों की चर्चा करते हो, या आप दुखों की चर्चा करते हो, घर के कष्ट, दुनिया भर के पढ़ाई के कष्ट सब। अगर आप भगवान की चर्चा 15 मिनट भी कर लोगे तो क्या हो जाएगा? आपके जीवन में भगवान धीरे धीरे घर करने लगेंगे। 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए भगवान की चर्चा। वेदों की तुलना में, उपनिषदों की तुलना में पुराणों ने लोकमानस को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। वस्तुतः कहा जाए तो पुराण जो है माइथोलॉजी है, पर पुराणों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी अनाप शनाप, क्योंकि मिलावट बहुत हो गई इसमें। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कई लोगों ने मिलावट कर दी, इसलिए गुरुदेव ने कहा मैं प्रज्ञा पुराण लिखूंगा। प्रज्ञा पुराण की बारे में मैं कथा सुनाना, एक बात सुनाना चाहता हूँ। प्रज्ञा पुराण कैसे लिखा गया? प्रज्ञा पुराण जब लिखा गया 1979 की बात है, प्रातःकाल 4 बजे जनवरी की बात है, ठंड के दिन प्रातःकाल 4 बजे गुरुदेव ने हम सबको बुलाया और कहा, भाई तुमको कुछ सुनाना है। मैं था, मेरे साथ 5 भाई और थे बड़े। इतनी जल्दी कभी गुरुदेव बुलाते नहीं थे, उन्होंने बुलाया वो भी ठंडक का महीना, सुबह 4 बजे। क्या बात है, गुरुदेव ने प्रथम खंड का प्रथम अध्याय लिख कर रखा था। गुरुदेव ने कहा, भाई कौन पढ़ के सुनाएगा? तो हम में से एक भाई खड़े हुए, उन्होंने पढ़ के सुनाया। गुरुदेव ने हिंदी में लिखा था पूरा पूरा प्रज्ञा पुराण प्रथम खंड प्रथम अध्याय। इसके बाद गुरुदेव ने पूछा, बताओ कैसा लगता है तुमको? हम तो सुनने के साथ ही भौचक्के से रह गए। हमने कहा, गुरुदेव ने क्या लिख दिया? युग लीला लिख दी पूरी की पूरी। उन्होंने कहा, गुरुदेव ने ये 19वां पुराण है, लोगों को पता चलेगा वास्तव में आज के युग की समस्याओं का समाधान कैसे होना चाहिए। जनवरी माह का वो दिन था, उसमें लिखा है हम लोग संयुक्त प्रयास करें, हम प्रेरणा भरेंगे लोगों में, आप संपर्क साधें, लोगों को चेतना उभारें। गुरुदेव के एक एक प्रसंग उसमें, कभी मौका लगा तो प्रज्ञा पुराण के कुछ श्लोकों को लेकर मैं बताऊंगा गुरुदेव ने कितनी कितनी महत्वपूर्ण बातें उसमें लिखी। गुरुदेव के इस प्रज्ञा पुराण के खंड में एक एक वाक्य में प्राण छिपा पड़ा है अध्यात्म का। वास्तव में आज के युग की आध्यात्मिक गीता गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के रूप में लिख दी। प्रज्ञोपनिषद के रूप में 6 खंड हैं हमारे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। प्रथम खंड अध्यात्म साधना खंड, द्वितीय खंड गुण परक महामानव महामानव विवेचन खंड। कथाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी कथाएं, तुमको पढ़ना चाहिए। तीसरा खंड है नारी और परिवार महात्म्य प्रकरण। चौथा है इसमें देव संस्कृति खंड। कम से कम जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के बच्चे बैठे हैं उनको चौथा खंड तो पढ़ना ही चाहिए। इन चारों खंडों में कथाएं हमने लिखी हैं। हम करीब 7-8 लोग जो गुरुदेव के साथ बैठते थे, हम लोगों ने कथाएँ लिखी हैं, टीका लिखी है, टिप्पणी लिख करके बीच में जो पिरोया है, वो गलतियाँ जितनी हैं वो हमारी हैं, बाकी जो मूल ग्रंथ है वो गुरुदेव का लिखा हुआ है, मूल उपनिषद गुरुदेव का लिखा हुआ है।
मैं आपके बारे में आपको ये कह रहा था कि जो जीवन में हमारे आचरण हैं वो आचरण हमारे कथा के माध्यम से बहुत कुछ जीवन में बदल सकते हैं। एक और कथानक है, बड़े शूरवीर पराक्रमी एक राजा थे, खटवांग नाम था उनका, खटवांग KHATWANG खटवांग, चाइनीज़ रहा होगा शायद, चाइनीज़ और इंडियन रहा होगा, खटवांग। देवासुर संग्राम में भाग लिया था इन्होंने, देवता जीते तो उन्होंने कहा महाराज आप वरदान मांग लीजिए, आपने असुरों को हराने में हमारी मदद की। राजा बोले तुम क्या वरदान दोगे, तुमने हमारी विजय के लिए, तुम्हारी विजय के लिए हमसे मदद मांगी, तुम क्या वरदान दोगे। उन्होंने कहा नैसर्गिक जगत में जितनी विभूतियां हैं वो हम आपको दे सकते हैं। तो बोले वो हमें नहीं चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष प्राप्त करा दो। राजन इसके लिए तो हम भी तरसते रहते हैं, देवता बोले तो हम भी तरसते रहते हैं। गुरु और भगवान दो ही व्यक्ति जो मोक्ष दिला सकते हैं। देवता बोले तो इसके लिए आप क्या करेंगे। देवताओं ने कहा कि इतना बता सकते हो कि हमारी मौत कितनी देर में होने वाली है, मृत्यु कितनी देर में होने वाली है। उन्होंने कहा कि 2.5 घड़ी में आपकी मृत्यु हो जाएगी। देवताओं की 2.5 घड़ी ब्रह्मा जी की घड़ी के हिसाब से है, हमारी घड़ी के हिसाब से नहीं है, 2.5 घड़ी बहुत लंबी थी उनकी। उन्होंने कहा तो क्या कर सकते हैं 2.5 घड़ी में। उन्होंने कहा हम आपकी व्यवस्था बना देते हैं। देवर्षि नारद ने खटवांग ऋषि को, खटवांग राजा को भगवत कथा सुनाई। देवर्षि नारद ने जब भगवत कथा सुनाई तो उस भगवत लीला को उन्होंने 2.5 घड़ी में सुन लिया, मोक्ष को प्राप्त हो गए। हमको तो ये भी नहीं मालूम कि हमारी 2.5 घड़ी है कि 5 दिन है कि 7 दिन है कि 3 दिन है, और हम लोग प्रयास ही नहीं करते कभी सुनने का। भगवान कब बुलावा हमें लेके आ जाए, कब कब हमारे पास आ जाए, हमें पता भी नहीं चलेगा और हम चले जाएंगे। भगवत लीला अमृत जो है उसके माध्यम से हम अपने जीवन में सही अर्थों में कथा के माध्यम से बहुत कुछ पा सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे में बात कही है, 4 तरह के घाट हैं, उन घाट से कथा का अमृत मिलता है। तेही एही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार, चार मनोहर घाट ऐसे हैं जो पावन पुण्य सरोवर के प्रतीक हैं। पावन पुण्य सरोवर के 4 मनोहर घाट कौन से हैं, रामचरितमानस में राम कथा 4 जगह से प्रवाहित हुई है। रामचरितमानस प्रसंग आता है, पहली कथा का प्रसंग जो है वो भारद्वाज ने कहा है प्रयागराज में और याज्ञवल्क ने सुना है। तो पहला घाट कौन सा, प्रयागराज, भारद्वाज कहने वाले, याज्ञवल्क सुनने वाले, राम कथा सुनने वाले याज्ञवल्क, सुनाने वाले भारद्वाज। दूसरी कथा अगस्त मुनि ने कही है और भगवान शिव ने सुनी है। आप कल्पना कर सकते हैं भगवान शिव अगस्त मुनि के यहां जाकर कथा सुनने के लिए जाते हैं भगवान राम की। तीसरी कथा भगवान शिव ने कही है, पार्वती ने सुनी है। और चौथी कथा काकभुशुंडी ने कही है और गरुड़ जी ने सुनी है। ये 4 कथाएं राम कथाएं हुई हैं और इन 4 कथाओं का वर्णन रामचरितमानस में आता है। इन 4 घाटों पर जो स्नान कर लेगा उसका जीवन निहाल हो जाएगा। भगवान के कथा प्रसंग से 2 लाभ होते हैं, लोक कल्याण, पापों का शमन, लोक कल्याण, पापों का शमन। Yeah.
नवदा भगवती का पावन प्रसंग, और उस नवदा भगवती में चूँकि भगवान बोलते हैं प्रथम भगति, इसलिए हम भी भगति शब्द यूज कर रहे हैं। भक्ति यानी भज सेवायाम, जो भजन करने से सेवा की ओर प्रेरणा दे, जो भजन करने से इष्ट आराध्य के साथ मिलने से जो सेवा के लिए प्रेरणा दे। सेवा धर्म सबसे बड़ा धर्म, सेवा धर्म परमो धर्म, तो उसके लिए भगवान राम कहते हैं कि तुम्हें मैं ये मानते हुए कि तुम इसके अधिकारी हो। लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि नारी अधिकारी नहीं है। गायत्री मंत्र के बारे में ये भ्रम फैला दिया गया, और जब तुलसीदास जी जिस जमाने में ये रामायण लिख रहे थे उस जमाने में काल का प्रभाव भी उनके ऊपर था, समय का प्रभाव। समय के प्रभाव की वजह से बार 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 उनके मन में वो आता है कि जो नारी जो है वो भी यही कहती है, जो शबरी है वो बार बार ये कहती है कि मैं तो अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं अधम से भी अधम है, और स्त्रियों में भी जो अधम है, अधमतम है, उनमें भी तिन्हम में मति मंद अघारे, उनमें भी मैं पापनाशन मंद बुद्धि हूँ। एक तो मैं स्त्री हूँ, दूसरी अधम हूँ, अधम में भी सबसे ज़्यादा अधम हूँ, और उसके बाद में मंद बुद्धि हूँ। मैं कहीं किसी कॉलेज में नहीं गई, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी नहीं मैं, तो मुझे क्या मालूम क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। श्री रघुनाथ जी ने कहा, कह रघुपति सुन भामिनी बाना बाता, मानहु एक भगति कर नाता। हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूँ। कल मैंने भक्ति के बारे में बताया, भक्ति में प्रथम भक्ति नवदा भक्ति के बारे में बताया कि नवदा भक्ति का जो प्रथम भक्ति है संतों का संग। संतों का संग जो है इससे बड़ा कोई वास्तव में सौभाग्य नहीं है। संतों की संगति हमें उस चिंगारी से परिचित कराती है, कल का थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे 5 मिनट, उसके बाद संतों का संग हमें उस चिंगारी से परिचित कराता है जो हमारे अंदर जल रही है। एक प्रारब्धवश या हमारे कर्मों के वशीभूत होकर के वो शायद बुझ गई, हमारे अंदर है, परंतु हम उसको जान नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर भी वो चिंगारी है। उस चिंगारी को प्रज्वलित करें, और चिंगारी को प्रज्वलित करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक संत चाहिए। उस संत को देखकर हमें पता चलता है कि भगवान कैसे होते हैं। भगवान का मिनी संस्करण है संत। भगवान को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता, पर संत को देखा जा सकता है। पक्षी जैसे किसी दूसरे पक्षी को देखकर उड़ना सीखता है, हम भी संतों को देखकर जान लेते हैं कि हम कैसे भक्त बन सकते हैं। पक्षी देखता है कि ये वाला सामने वाला पक्षी जो है उड़ा, तो मैं भी उड़ सकता हूँ, हाँ तुम भी उड़ सकते हो। इसी तरह से हम संतों को देखकर जान लेते हैं कि हाँ भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इन्होंने प्राप्त किया, ऐसे मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ। संत कैसे, ठाकुर जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे। संत कैसे, परम पूज्य गुरुदेव जैसे, जिन्होंने पारदर्शी जीवन जिया, एक ब्राह्मण का जीवन जिया। ठाकुर के बिस्तर के नीचे किसी ने परीक्षा के लिए पैसे रख दिए, तो देखें ये कहते हैं बराबर कामिनी कुंचन की बात करते हैं, पैसे का कोई प्रभाव पड़ता है, उनके सारे शरीर में फफोले हो गए। पैसे रख दिए, सारे शरीर में फफोले हो गए, और उन्होंने फिर बिस्तर से उठ करके उन्होंने कहा, अरे भाई देखो जरा बिस्तर का दर पर ये निकालो, चादर निकालो, चादर निकाल के साफ करो, क्या हो गया इस पर, देखा नीचे पैसे रखे हुए थे। किसी ने उनको लाके ढेर सारे पैसे दिए कि ये आपको रखना है ठाकुर, आपके लिए फल आएंगे इससे। तो उन्होंने पत्थर लिए, उतने ही और उतने ही उन्होंने पैसे लिए, जितने पैसे दिए थे उतने ही पत्थर लिए, और दोनों उठा करके टाका माटी, टाका माटी, टाका यानी पैसा और माटी यानी मिट्टी, पैसा क्या होता है, मिट्टी, तो गंगा जी में डालने लगे, टाका माटी सब गंगा में प्रवाहित कर दिए। ऐसे संत जिन्हें जरा भी किसी भी तरह की माया व्याप्ति नहीं है। कोई आदमी घास पर चल रहा था तो समानुभूति कितनी तीव्र होती है, रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर निशान आ गए, अरे भाई धूप पे मत चलो, धूप पे चलने से मुझे पीड़ा होती है, तुम्हें पीड़ा होती है, धूप पे हम चल रहे हैं तुम्हें पीड़ा हो रही है। घास से आत्मीयता इतनी हो गई, समानुभूति हो गई कि उस घास के जो तिनके थे तीखे वो लगने लगे, उनको ऐसा लगा कि मेरे ऊपर चल रहे हैं, और पीठ पे निशान आ गया। संतों की संगति का एक परिणाम, एक थोड़ा नमूना दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ जो कल मैं नहीं बता पाया कथाओं में। मैं एक नारेश्वर महादेव करके एक स्थान है, नारेश्वर महादेव,
ये नर्मदा का किनारा है, वहाँ होके आया हूँ, दूर है। वहाँ रंग अवधूत रहा करते थे, रंग अवधूत। तो रंग अवधूत जो हैं उन्होंने तपश्चर्या की और गायत्री की साधना की, परम पूज्य गुरुदेव उनके बारे में बताया करते थे। रंग अवधूत किया, एक बाजरे की टिकिया और प्याज की चटनी उसके ऊपर रखी हुई मिलती थी, बाजरे की टिकिया और प्याज की चटनी प्रसाद के रूप में मिलती थी। रंग अवधूत के पास जो भी आता था उसको वो प्रसाद के रूप में नीम की पत्ती देते थे। जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठते थे उसकी पत्ती देते थे। तुम सबको आश्चर्य होगा सुनकर के कि संतों की संगति से आदमी बदल जाते हैं, संतों की संगति से पुरुष बदल जाते हैं, संतों की संगति से सब कुछ, पर जड़ जगत बदल सकता है क्या? जिस नीम के पेड़ के नीचे रंग अवधूत बैठते थे उसमें कुबड़ सा निकल आया, क्योंकि बैठे बैठे उसी के सहारे बैठे रहते थे, तो कुबड़ सा निकल आया उसमें, मतलब उसी की पीठ के सहारे उनका जो है वो नीम का पेड़ भी टेढ़ा हो गया, टेढ़ा होकर के उनकी छाया करने लगा पूरी। और जितने हिस्से में वो बैठते थे, जितने हिस्से में लोगों से मिलते थे, करीब 20 फीट की परिधि में एक ही नीम के पेड़ में उतना हिस्सा मीठा है, नीम के पत्ते मीठे हैं, बाकी हिस्से में कड़वे हैं। कभी कल्पना कर सकते हो? मैंने खुद चख के देखा। देखिए, यहाँ का नीम चखिए, वहाँ का नीम चखिए, दोनों नीम को चखा तो उतने हिस्से में जिसमें रंग अवधूत बैठे उतने हिस्से में नीम मीठा हो गया। उसी नीम की पत्ती तोड़ते थे और देते जाते थे, इसे तेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, इसे तेरे घर में बच्चा हो जाएगा, तेरे यहाँ सब पत्नी की, तेरे घर की समस्या सारी हल हो जाएंगी। संतों की संगति से वनस्पति भी अपना रंग बदल लेती है, संतों की संगति से जड़ जगत में ही परिवर्तन आ सकता है। संतों की संगति से भगवान राम के स्पर्श से जब अहिल्या बदल सकती है, अहिल्या क्षण से बदल सकती है, तो क्यों नहीं बदल सकता? श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सठ सठ सुधरई, शठ सुधरई, संत संगति पाई, शठ सुधरई, संत संगति पाई। संतों का संग पाकर शठ लोग, बदमाश लोग, दुष्ट लोग, देर देर फिल्मी म्यूजिक सुनने वाले लोग सब बदल जाते हैं। संतों का संग पाकर लोग बदल जाते हैं। पारस परस कुधातु सुहाई, जैसे कि किसी धातु को टच कर दे, पारस को छूने के बाद वो सोना बन जाती है, इसी तरह से संतों का संग पाने के बाद रात दिन आदमी अगर संतों का सत्संग करे तो उसको जीवन बदलाव हो सकता है। और हमारे कबीरदास कहते हैं, संगत बुरी असाधु की, साधु की संगत करिए, संगत बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। असाधु यानी असज्जन व्यक्ति, असाधु यानी नास्तिक व्यक्ति, असाधु यानी नेगेटिव व्यक्ति, असाधु यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा डिप्रेशन में रहता है और आपको भी डिप्रेशन में डाल देगा, वह असाधु है। उसकी संगति मत करिए, संगत किसकी करिए? साधु की। आठों पहर उपाधि, उपाधि का मतलब क्या होता है? जो आत्मबोध से विमुख कर दे वो उपाधि, जो माया की ओर ले जाए वो उपाधि, जो रात दिन संसार का ध्यान कराए वो उपाधि। हमें इससे बचना है, हमें इससे बच करके अपनी भक्ति का स्वरूप ऐसा बनाना है जैसा नारद ने कही है कि हम भक्ति को अपने जीवन का एक अनुशासन बना लें, भक्ति अपने जीवन में अनुशासित रूप में उतर आए। कबीरदास जी एक और बात कहते हैं, देखा देखी भक्ति, भक्ति का कबहु न लगे रंगा, देखा देखी भक्ति का कबहु न लगे रंगा। वो कहते हैं देखा देखी भक्ति का रंग नहीं लगता, ये भक्ति कर रहा है मैं भी भक्ति करना चालू कर देता हूँ, ये माला कर रहा है मैं भी माला करना चालू कर देता हूँ, इसके नंबर अच्छे आते हैं माला करने से मेरे भी माला करने से अच्छे आएंगे। देखा देखी भक्ति उनकी जिसी